देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह साहब को किसी ने गलत सूचना दे दी है पंजाब के बारे में। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पंजाब में बहुत बेहतर हुई है, और आज जो पंजाब में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा है, और जो कानून व्यवस्था है, ऐसी कानून व्यवस्था पंजाब ने कई दशकों से नहीं देखी थी। ना कैप्टन अमरिंदर साहब के समय पर देखी थी, ना बादल साहब की सरकार में देखी थी। और मैं खास तौर पे रक्षा मंत्री साहब को, राजनाथ सिंह साहब को कहना चाहूंगा, जिन्होंने ये स्टेटमेंट पंजाब के संदर्भ में दिया है, कि जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, देश के अन्य राज्यों में कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात है, तो हमारा आपसे ये अनुरोध रहेगा, विनती रहेगी, कि देश का एक बहुत महत्वपूर्ण सूबा मणिपुर जल रहा है, वहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों की मृत्यु हो गई है, पूरा स्टेट तहस नहस हो गया है। वहां पर राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, लेकिन फिर भी मणिपुर में स्थिति इतनी खराब है। मैं रक्षा मंत्री साहब का ध्यान मणिपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, और ये भी कहना चाहूंगा कि जिन जिन राज्यों की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से जनता ने आपको सौंपी है, आप वो जिम्मेदारी निभाएं। पहले अपने राज्यों में जिम्मेदारी निभाकर दिखाएं, दूसरे राज्यों पर उंगली उठाने से पहले। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एक ऐसा सूबा है जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और पुलिस सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आता है। मैं राजनाथ सिंह साहब को कहना चाहूंगा कि दिल्ली में आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, डकैतीज हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, और अपराध का ग्राफ दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी बीजेपी की है, मणिपुर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी की है, और दोनों सूबों में बुरी हालत है, बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। मेरा राजनाथ सिंह साहब को बहुत विनम्रता पूर्वक यही निवेदन रहेगा कि अपना ध्यान मणिपुर और दिल्ली की ओर आकर्षित करें,